तमाम दोस्तों की खिदमत में मनोज कुमार का नमस्कार सलाम राम राम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है ठीक ठाक हो। जोटवाड़ा दवाखाना में एक बार फिर से स्वागत है आपका। वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें। बाकी आप मालिक हैं, आप करेंगे तो ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भी आपकी इच्छा है जी। मेरा केवल कहने का हक है कि आप लोग वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइबर करें। बात करते हैं तिला। तिला का नाम आते ही हर कोई समझ जाता है, ठीक है। शाही तिला ये मैंने बनाया है, ठीक है। तमाम समस्या जैसे कि कम उम्र में 20 साल 21 साल 18 साल 15 साल की उम्र में जो लड़के गलती करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, उनकी नसें कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, उन लोगों के लिए। फिर शादी के बाद जो पहले लोग हस्तमैथुन करते हैं तो शादी के बाद फिर उनको शर्मिंदगी महसूस होती है, ऐसे लोगों के लिए ये रामबाण चीज़ है। एक चीज़ आपने अक्सर नोट की होगी कि मेरा जो भी नुस्खा होता है, जो मैं बताता हूँ, वो कहीं भी आपको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है कि किसी का देखा सुना सुनाया मैं बयान नहीं करता हूँ, और ना ही मैं किसी दूसरे की वीडियो ऑडियो देखकर बनाता हूँ, ठीक है। ये जो एक का नाम मैंने इसमें लिखा है कामिनी ऑयल और एक का नाम है कड़कनाथ, मैं दोनों के आपको प्रोसेस बताता हूँ और किस उम्र में ये काम करता है। ये जो कड़कनाथ तिला है ये 40 साल के उम्र के बाद में लोगों के लिए काम करता है। 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल तक भी ये ऐसा कर देता है कि ऐसी जवानी ला देता है वापस कि क्या बताएं इसके बारे में। बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको 4 किलो लहसुन का अर्क लेना है। लहसुन आम लोग सब जानते हैं, लहसुन का पानी, ठीक है। लहसुन को छीलना है, कली छीलना है, आराम से छील कर उसका पानी निकाल लेना है, निचोड़ लेना है। 4 किलो लहसुन के पानी में आपने 2 किलो तिल का तेल डाल देना है। 2 किलो जब तिल का तेल डाल दें तो कढ़ाई में डालकर इसको धीरे धीरे आग लगाएं, ठीक है। जब आग लगाते रहेंगे, चलता रहेगा तो फिर आपको ये जो लहसुन का अर्क है ये पूरा जल जाएगा, तो आपको खाली तिलों का तेल जो होगा वो तैयार मिलेगा। अब इस तेल के अंदर आपको आधा किलो मालकांगनी डाल देनी है, ठीक है। फिर 1 किलो लहसुन का तेल डाल देना है, ये लहसुन का पानी, ये डालकर फिर इसको धीरे धीरे आग पर पकाना है। और जब ये तेल आपको एक साइड में दिखे कि हाँ अब पानी पूरा जल गया है और केवल तेल बचा है, तो इस तेल को उठाकर आप इसके आधा वजन, अगर 1 किलो तेल है तो आधा किलो बिलावा का शुद्ध तेल, बिलावा का तेल पाताल जंतर से निकाला हुआ होना चाहिए और उसको शुद्ध करना है, ठीक है। उसका जहर आपको ख़त्म करना है, ये बिलावा का तेल इसमें डाल देना है। बस उठा के आपको ये 50-50 ml की सीसी भर लेनी है। आपका तिला बिल्कुल तैयार होगा। रात को इसको अच्छी तरह लिंग की मालिश करके, पानी से धोकर, इसकी हल्के हाथ से मालिश करके पान का पत्ता ऊपर बांध लें,
3 से 5 दिन में देखें आप कमाल इसके। बस आपको जिंदगी भर किसी दूसरे तिले की तलाश नहीं होगी, इतना ही कह सकता हूँ मैं। कोई भाई अगर नहीं बना सकता है तो ये 50 ml की जो शीशी है ये 1000 रुपये की है, और जो 100 ml की शीशी है ये शीशी 2250 रुपये की है। ठीक है, कोई मंगवाना चाहे तो मंगवा सकता है, अगर बनाना चाहे तो बना सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उम्मीद है सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमो नारायण।